T18 ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आज दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना होने वाली है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके पहले जो ट्रेन के लोको पायलट्स हैं वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानते हैं। सर अपना पहले परिचय दे दें। मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं लोको पायलट कानपुर हेडक्वार्टर से हूँ और विगत 10 साल से राजधानी शताब्दी काम कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने राजधानी शताब्दी चलाई है, अब निश्चित तौर पर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन कही जा रही है, कितनी अलग है ये राजधानी और शताब्दी से? ये गति के मामले में अलग है, इसकी गति आने वाले दिनों में 180 kmph तक जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है कि इसमें सेफ्टी सिस्टम बहुत अच्छे लगे हुए हैं और ख़ास बात यह भी है कि इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है किसी भी खतरे के मतलब और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के देखने के बाद हम इसको बहुत कम दूरी में गाड़ी को खड़ी कर लेंगे। अगर बात की जाए, जैसे भारत में ये सवाल बहुत उठता है कि स्पीड जो है वो ज़्यादा होने पर ट्रेन की पटरियाँ साथ छोड़ सकती हैं क्योंकि हादसे बहुत होते हैं, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो वंदे भारत कितनी सुरक्षित है? नहीं, ये तो जब तक बिना कोई पब्लिक का अगर इसमें इंटरफेयर नहीं होता है तो ये हमारे लिए सुरक्षित है और अच्छा है और बहुत ही अच्छा सिस्टम हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे भारतीय रेलवे एक ये नई क्रांति की शुरुआत हुई है। एक नॉर्मली देखा जाता है जो भारतीय कल्चर के हिसाब से कि ट्रेनों के पटरियों पर लोगों का आना जाना अक्सर हादसे इस वजह से होते हैं, जानवर आ जाते हैं, अगर इस कंडीशन में अगर आप हैं लोको पायलट की भूमिका में, किस तरह से ट्रेन काबू हो सकती है? हाँ, ये गाड़ी बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस में गाड़ी हमारी 130 से जीरो की स्पीड आ जाती है और हम किसी भी खतरे को बचा लेंगे इससे। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। सुमन कुमार लाभ, लोको पायलट कानपुर। सुमन जी, अगर बात करें जिस तरह से बताया उन्होंने कि सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी बहुत ज़्यादा हाईटेक है, स्पीड की अगर बात की जाए तो कितनी स्पीड अभी रहने वाली है और जो बोगियाँ हैं वो इंजन के साथ ब्रेकिंग सिस्टम में किस तरह से सुरक्षित होंगी? इंजन इसमें तो पहले इंजन तो है ही नहीं, टोटल ट्रेन ही इंजन है, टोटल ट्रेन इंजन ही पूरी ट्रेन है, पूरी ब्रेकिंग स्मूथली सभी कोचों में एक साथ होती है। सर आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा सुनील कुमार ठाकुर, कानपुर से बिलोंग करता हूँ। सुनील जी, अगर बात करें इस ट्रेन की तो ये ट्रेन और ट्रेनों को किस तरह से रिप्लेस करने की तैयारी भी अभी चल रही है, जिस तरह से आगे आने वाली भारतीय की राजधानी है और उसको इसकी एफिशिएंसी सर और ट्रेनों से बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो है सर, और ट्रेनों की अपेक्षा स्पीड के मामले में या हर मामले में बहुत सी सही है सर। ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह एकदम शॉर्ट मार्जिन है सर इसका, जिससे कि किसी खतरे से हम बचाया जा सकता है। निश्चित है, जिस तरह से मनोज जी ने और उनके साथियों ने बताया कि ट्रेन सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही बेहतर है और यहाँ पर यात्रियों को भी जो इसमें बोगियों में होंगे उनको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, यानी आने वाले वक्त में T18 जो वर्तमान ट्रेनें हैं उनका बेहतर विकल्प हो सकती हैं और यात्रियों को परेशानियों से भी बचा सकती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गोपाल मिश्र, ETV।